हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर टू का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट का कवर कर लिया है। इन केस इफ़ यू हैवन वॉच द थ्योरी पार्ट देन गो एंड वॉच द थ्योरी पार्ट एंड देन कम हियर। तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के तीन लेयर्स कौन कौन से हैं? तो वी हैव टॉक्ड इन द थ्योरी पार्ट कि अर्थ को जो है तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला सबसे ऊपर वाला भाग में दिखता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, एंड देन जो मिडिल भाग है, जो मिडिल पार्ट है उसे हम कहते हैं मेंटल, एंड देन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। सबसे अंदर का जो भाग है उसे हम कहते हैं कोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज अ रॉक। रॉक क्या है? तो रॉक देखिए, हमने पढ़ा था थ्योरी वाले पार्ट में दैट कोई भी एक नेचुरल मास मिनरल मैटर, कोई भी ऐसा नेचुरली अगर मतलब नेचुरली मिलता हो, मास रखता हो अपने पास, मिनरल्स उसके अंदर होते हों, ओके मैटर हो मतलब कुछ जगह रखता हो। सो मास मिनरल मैटर ऑफ एनी मास नेचुरल मास मिनरल मैटर जो कि क्रस्ट का निर्माण करता हो। तो हमने कहा एनी मास मिनरल मैटर विच क्रिएट्स क्रस्ट ऑफ द अर्थ दैट इज द रॉक, उसे क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। तो कोई भी नेचुरली मास मिनरल मैटर विच क्रिएट्स द क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज नोन एज रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो हमने तीन टाइप्स रॉक्स के बारे में चर्चा भी किया था। पहला आपका जो प्राइमरी रॉक था उसका नाम हमने रखा था इग्नियस, और इसके बाद आपका जो दूसरा रॉक था उसका हमने नाम रखा था सेडिमेंट्री, एंड देन द लास्ट वन वाज मेटामॉर्फिक। तो ये तीन टाइप के रॉक्स आपके थे जो कि हमने पढ़ा था थ्योरी वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। तो किस प्रकार से जो आंतरिक और जो बाह्य जो चट्टाने हैं उनका निर्माण होता है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स का। तो देखिए, हमने कहा कि क्या होता है कि जब ज्वालामुखी कहीं फटता है, ओके जब प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वो होता क्या है कि अंदर का जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जो मैग्मा जो तरल मैग्मा आपका होता है, वो क्या करता है ऊपर आता है अर्थ के सरफेस पे। तो जब अर्थ के सरफेस पे आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर, चूँकि ठंड कम है, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है ज़्यादा है और अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही वो अंदर से बाहर सरफेस पे आते हैं ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से ठंडे होते हैं, और ठंडे होकर के बिल्कुल ये छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े में महीन टुकड़े में ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहीं पे इसका एक पार्ट बन जाते हैं, जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका एक पार्ट बन जाते हैं। तो ये कहलाते हैं, इस प्रकार से निर्माण होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स का। ओके एक्सट्रूसिव जो बाह्य चट्टान है उनका निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, अब सरफेस पे मान लीजिए कि यहाँ से ज्वालामुखी मतलब मॉल्टेन जो मैग्मा है वो निकलना स्टार्ट किए, उनको कुछ गैप यहाँ मिल गया, कुछ गैप उनको यहाँ मिल गया, कुछ गैप यहाँ मिल गया, तो ये क्या करेंगे, इन्हीं गैप में घुसते चले जाएंगे, इन्हीं गैप में भरते चले जाएंगे, और धीरे धीरे चूँकि टेम्परेचर सरफेस के कंपेरिजन में नीचे ज़्यादा है तो यहाँ पर धीरे धीरे ठंडे होते हैं। जब धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो कुछ बड़े ग्रेन्स मतलब कि जो टुकड़े अर्थ के सरफेस से बनते थे ठंडे होकर वो छोटे होते थे, लेकिन जो अंदर टुकड़े बनते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़े टुकड़ों के रूप में ठंडे होते हैं और नीचे ही जम जाते हैं। तो जब ऐसा होता है कि मॉल्टन मैग्मा सरफेस के नीचे ही जम जाता है, तब हम कहते हैं कि ये जो रॉक बना है वो इंट्रूसिव रॉक्स है, ओके आंतरिक चट्टाने हैं, यही डिफरेंस है, और इसी तरह से ये फॉर्म होते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज What do you mean by a rock cycle? एक rock cycle से आप क्या समझते हैं? तो rock cycle देखिए, जो आपके तीन main type की जो rocks हैं उन्हीं में ये इस तरह इस rock cycle को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका igneous rocks है, ओके igneous rocks में आप देखेंगे कि ये primary rocks है, सबसे पहले molten magma के रूप में ये ऊपर आएगा, फिर क्या होगा इसमें ढेर सारा break होगा, ये टूटेगा फूटेगा, उसके बाद ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, तो छोटे छोटे से टुकड़े में क्या होता है कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये टुकड़े क्या करेंगे, अब
मान लीजिए कि ऊंचाई के स्थान से आ रहे हैं, तो किसी थोड़ा नीचे वाले स्थान पर जाएंगे या फिर कहीं गड्ढा है, कहीं बहुत बड़ी खाई है, तो वहाँ पर जाकर ये विभिन्न फैक्टर्स जैसे विंड हो गया, रिवर वाटर हो गया, उसके माध्यम से जा करके एक गड्ढे में क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना ये निक्षेपित होते रहेंगे, वहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे। तो जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट हो के जब ये लेयर कई लेयर बाय लेयर बनते जाते हैं और फिर कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होने के बाद ये कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बनते किससे हैं, ये सेडिमेंट्स से, तो इन्हें कह दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर क्या होता है, अब यही जब रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी और इग्नियस पर्वत दोनों होते हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ही हाई टेम्परेचर या फिर प्रेशर या दोनों, जब इन दोनों के संपर्क में आते हैं, तो होता क्या है कि इनके स्वरूप में केमिकली परिवर्तन, फिजिकली परिवर्तन आने लगता है। और जो केमिकली फिजिकली परिवर्तन आता है, तब ये जो रॉक का निर्माण होता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो हमने कहा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जब उनको टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा जाता है, तो फिर उनमें चेंज आते हैं और वो किसी दूसरे टाइप के रॉक में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो क्ले होता है वो स्लेट में चेंज हो जाता है इसी वजह से, एंड जो आपका लाइम स्टोन होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है इसी वजह से। वो सेडिमेंट्री टाइप का रॉक्स है लेकिन वो कुछ चेंज होता है मार्बल में। तो ये होता है आपका तीसरा नंबर, पहले इनियस था, सेडिमेंट्स में टूटा, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाया डिपॉजिट होकर के, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स को टेम्परेचर प्रेशर पर रखा गया तो मेटामॉर्फिक बना। फिर इसमें जब टेम्परेचर इत्यादि यहाँ पर बढ़ता है मेटामॉर्फिक में, तो फिर ये क्या होता है, पिघलने लगता है। अब पिघल करके ये फिर मॉल्टन मैग्मा बन जाता है। तो जब ये मॉल्टन मैग्मा बनेगा तो फिर से क्या होगा, ये इग्नियस रॉक की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये एक साइकिल जो है ना लगातार चलती रहती है। इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया था, एक बार हमने फिर यहाँ पे देख लिया तो आपका रिवीजन हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स का क्या यूज़ है। तो रॉक्स का यूज़ तो देखिए ढेर ढेर सारा है, हमने खूब सारा चर्चा किया था। पहली बात, रॉक से आपके देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका निर्माण होता है, बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, रोड्स का निर्माण होता है, और बहुत सारी जो इंफ्रा बनती है ना उनका सबका निर्माण होता है आपके रॉक से। हम कई सारे मिनरल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, रॉक से हम कई सारे मिनरल्स को निकालते हैं, जो मिनरल्स हमारे विभिन्न प्रकार के मटेरियल को निर्माण करने में हमारे लिए काम आते हैं। तो रॉक्स हमें मिनरल्स भी देते हैं, रॉक्स हमें इनके बीच में जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनके बीच में फॉसिल्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब भी मिलते हैं। तो ये ढेर सारे यूज हैं, कि आप जितने यूज लिख सकते हैं इनका लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भरे पड़े हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, हमने बताया कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक, कोई भी रॉक, इन दोनों रॉक्स को जब एक डिफरेंट टेम्परेचर पे और आपका एक प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों पर जब इसको रखा जाता है, तो क्या होता है कि इनका जो स्वरूप होता है ना, इनका जो फॉर्म होता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने बात कहा कि क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो जाता है, तो स्लेट एक दूसरा फॉर्म है और क्ले एक दूसरा फॉर्म है। उसी प्रकार से हमने कहा कि लाइम स्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। तो ये क्या है, ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, और ये जब प्रेशर और टेम्परेचर इनको रखा जाता है, तो इनका जो केमिकली, इनका जो स्वरूप होता है, फिजिकली जो स्वरूप होता है, वो दोनों ही चेंज हो जाता है, यही कहलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, नाउ टिक द करेक्ट करेक्ट आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। तो कौन सा रॉक मॉल्टन मैग्मा से बनता है, तो आप सभी जानते हैं जो प्राइमरी रॉक्स आपका होता है, जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, दिस इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। सेकेंड क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये तो हमने पहले ही देख लिया, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, सॉरी कोर, क्रस्ट इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो कोर ये यहाँ पे आपका हो गया इनर मोस्ट लेयर। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो गोल्ड एक प्रकार का क्या है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम भी मिनरल्स है, कोल भी मिनरल्स है, तो सारे क्या है, मिनरल्स हैं, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर, कौन से रॉक्स में फॉसिल्स मिलता है, तो हमने बताया था कि जब किसी थोड़ी सी खाई या फिर थोड़ी गहरे जगह पर जब लगातार सेडिमेंट्स आके इकट्ठे होते रहते हैं, उनके बीच बीच में कुछ पेड़ पौधे या जंतु के अवशेष वो भी इकट्ठे होते हैं, फिर ऊपर से आके रॉक इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ऐसे जंतु के अवशेष पेड़ पौधे इकट्ठे होते हैं,
तो एक समय बाद फिर ये क्या होते हैं, ये इसी में दबे रहते हैं, तो ये फॉसिल्स बन जाते हैं। तो ये कौन सा रॉक होता है आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि फॉसिल्स कंटेन करते हैं अपने अंदर, इसे ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे पतला वाला लेयर कौन सा है। तो हमने बात किया था कि अर्थ को तीन लेयर में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। तो क्रस्ट को, क्रस्ट अर्थ के वॉल्यूम का टोटल कितना पार्ट बनाता है, तो हमने देखा था 1%। मेंटल कितना बनाता था, 84%। कोर कितना बनाता था, 54%। सो इस हिसाब से हम देखें तो क्रस्ट जो है सबसे थीनेस्ट लेयर, सबसे पतला लेयर है, तो क्रस्ट इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कोर, कोर किसे कहेंगे। तो कोर आपका अर्थ सरफेस नहीं, अर्थ सरफेस तो क्रस्ट होता है, कोर तो होता नहीं। देन व्हाट इज यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ये तो रॉक्स का, रॉक्स यूज करते हैं, मेड ऑफ सिलिका, एलमुना, नहीं, हैज़, ओके, ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ई, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है, हमने देख लिया था। नाउ मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स देखिए हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। सो ये हो गया आपका मिनरल्स, हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स क्या होते हैं, यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, सही बात है। क्ले जो होता है आपका, ये स्लेट में चेंज होता है, हमने इसके बारे में चर्चा किया था, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। सियाल क्या है, मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, ये हमने देख लिया। मैच द फॉलोइंग, तो अर्थ का सरफेस मतलब क्रस्ट हो गया, एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का जब एक से दूसरे जगह में, एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये एक मेटामॉर्फिज्म जो प्रक्रिया होती है, उसी में ये ट्रांसफॉर्म होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कुछ थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन है, जिसको आपका वो होमवर्क है, आप उसे सोचेंगे। गिव द रीजन, आपको रीजन देना है। पहला क्वेश्चन, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के सेंटर में नहीं जाते, जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, तो कैसे बताना है कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है सेडिमेंट से बनते हैं, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो इसके बारे में भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम स्टोन इज चेंज्ड इंटू मार्बल, तो लाइम स्टोन को मार्बल में चेंज किया गया, इसके बारे में भी बताना आपको। ओके, जिन लोगों, जो लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को, वो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है चांसले टाइम, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक का नाम है सिर्फ चांसले, जो कि चैनल है, ये ग्रुप है, इसमें आप क्या है कि ये जो है एक ग्रुप है चांसले टाइम, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं, अपना पोस्ट कर सकते हैं, और उसका आपको रिव्यू मिलता है। और जो दूसरा है, ये चांसले ये चैनल है, जिसके माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाई जाती है। तो इन दोनों ही ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर है। ओके, इन दोनों को टाइप करेंगे तो आपको दोनों ही चैनल मिल जाएंगे। तो ये रहा डियर स्पेंड हमारा आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।